हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अमन बोला, योर लीगल एडवाइजर। आप लोगों को पता है, आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट बाय करने जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि समटाइम्स आपसे वो एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं कैरी बैग प्रोवाइड करवाने के। तो क्या ये लीगल है या इलीगल है? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, अगर वो आपको जो कैरी बैग प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके ऊपर कोई स्टिकर नहीं, कोई उनकी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो वो आपसे उसके एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर सकते हैं और आपको वो पे करने पड़ेंगे अगर आपको कैरी बैग चाहिए तो। बट अगर वो कैरी बैग प्रोवाइड करवा रहे हैं और उस कैरी बैग के ऊपर आपका मतलब उन्हीं के ब्रांड का लोगो बना हुआ है, स्टिकर बना हुआ है और ऐसे उनकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो वो उस कैरी बैग का कोई चार्ज आपसे नहीं ले सकते। अगर इसके बाद भी वो आपसे इस कैरी बैग का एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं तो आप उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जाके एक कंप्लेन कर सकते हैं और साथ ही साथ उनसे कोई ना कोई कंपनसेशन निकलवा सकते हैं। ऐसा ही एक केस बाटा कंपनी के ऊपर हुआ था। एक पर्सन ने कोई प्रोडक्ट बाय करा, साथ में उन्होंने उस प्रोडक्ट के साथ साथ 3 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए थे कैरी बैग प्रोवाइड करवाने के, तो उस पर्सन ने उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेन की और बाद में बाटा कंपनी को 9,000 रुपये पे करने पड़ गए थे उस पर्सन को, क्योंकि उन्होंने 3 रुपये का जो भी उसे कैरी बैग प्रोवाइड करवाया था उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट हो रखी थी, तो ये इलीगल हो गया था, तो उन दोनों का सेटलमेंट हो गया था। तो ऐसी लीगल टिप्स और सारे सेक्शन जानने के लिए मुझे फॉलो करते रहें। थैंक यू।